नहीं सॉस मिला उसमें। तो गुड इवनिंग एवरीवन, और आज अभी हम आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं और बुलाना चाहेंगे अब ज्योति जी को, जो कि हमसे कुछ बात करना चाह रही थी। तो ज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। यस मैम, मैं इन बच्ची के लिए एक बात बोलना चाहूंगी। इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो इनको इतना कॉन्फिडेंस इस प्रोडक्ट के बारे में हो जाएगा कि ये खुद कहते नहीं कि जब यूज करते तो क्या होता है। तो क्योंकि जी हम लोग जब से 1 साल से यूज कर रहे हैं ना, पहले तो जब सुबह उठ के चेहरा देखने का मन नहीं होता था, बट इतना प्यार अब हो गया है कि मतलब हम लोग जब सुबह स्किन ट्रीटमेंट रात को करते ना, तो सुबह ये होता है आज देखे कैसा है रिजल्ट, आज देखे कैसा रिजल्ट है, मतलब इतना अच्छा लगता है। आज मैंने जैसे फोन किया तो मेरी एक बेटे की फ्रेंड थी, उनकी मम्मा मतलब थी, तो उन्होंने मेरी एज पूछी, तो मैंने जब उनको बताया तो इतनी शॉक हो गई कि ये आपकी एज है, स्किन से पता नहीं चलता। तो मैंने कहा ये ओरिफ्लेम है तो आप बिलीव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम को आपसे बात करती हूँ, तो जरा इसके बारे में मुझे बताना जरूर। तो ये मैं कहती ये कॉन्फिडेंस है, ये हमारे प्रोडक्ट की कॉन्फिडेंस है कि जो हम लोग के चेहरे से बोलता है, हम लोग को कहीं प्रेजेंट नहीं करना पड़ता। जी और बिल्कुल, आपकी इसको स्किन तो माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारी है। तो बस यही कहना था मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो रिंकू जी, आपने सुना, आपको कुछ बातें पता चली। ये कुछ हम लोगों का इस कंपनी के प्रति प्यार है जो कि झलक पड़ता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अच्छी स्किन है जो हमें इस कंपनी ने दी। रियली में अगर हम इसमें नहीं ज्वाइन हुए तो शायद हम इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं पाते। और मैं कभी कोई दूसरी चीज अपनी स्किन पे नहीं लगा सकती हूँ। कभी कोई गलती से भी दे तो मैं उसे नहीं लगाती, बिल्कुल नहीं लगाती। ना लगाऊं चलेगा, बट लगाऊंगी तो सिर्फ यही लगाऊंगी। और आंख बंद करके भरोसा करती हूँ इसकी किसी भी प्रोडक्ट रेंज पर, चाहे वो किसी भी स्किन टाइप के लिए लिया हो। और मैं सब अपने ऊपर ट्राई कर लेती हूँ, सब लगा लेती हूँ, क्योंकि हाँ किसी का उसका टेक्सचर पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है ये मैटिफाइंग है, इससे पता चल जाता है ये थोड़ा ज्यादा हैवी है, इससे पता चल जाता है ये हमारे स्किन में बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन लेकर आ रही है, कई सारी इसकी खुशबू अच्छी है, इसका टेक्सचर अच्छा है, इसका फील अच्छा है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और वो हर बार हम लोग उसको टच एंड फील करते हैं, जितना ज्यादा हम इसको अपनाते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट सामने से गुजरता है और उसकी खुशबू से ही हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सी रेंज है, इतना ज्यादा हम लोग इससे इन्वॉल्व होते हैं। और ये इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इतने समय के एक्सपीरियंस होने की वजह से भी है, और सिर्फ ज्वाइन किया कि बेच दे लोगों को टिका दे इसके ऊपर नहीं, ज्वाइन किया कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं और वो मैं यूज करूंगी क्योंकि इसमें मुझे इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद इसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने बेचनी शुरू की। वो जो अपॉर्चुनिटी जिसने कि मुझे पहले ही साल में पहली फॉरेन ट्रिप, पहली कार, ये सब तो दिलाई, और साथ में इतना ज्यादा मान सम्मान देना है, इतनी इतने कम समय में लोग मुझे अपने शहर में जानने लगे कि कोई आरती चौरसिया है जिसने ये काम किया है, ये शुरू किया है। और इतने कम समय में जानने के साथ साथ मैंने 97 मार्च में ज्वाइन किया था और 98 नवंबर में हमारे पास एक मैगजीन आई, बिजनेस टुडे, आप सभी जानते होंगे, बिजनेस टुडे मैगजीन में मेरे बारे में निकला। उसका इंटरव्यू मेरे से टेलीकॉलिंग इंटरव्यू ही हुआ था, मुझे नहीं पता था ये मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। जनरली लोग फोन करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं, मुझे लगा कोई होगा जो मुझसे हमारे बारे में पूछ रहा होगा कि आपकी उम्र क्या है और आप क्या करती हैं और आप कितना कमाती हैं और कितने लोग हैं आपकी टीम में, ये सब उन्होंने पूछा। और किसी थर्ड पर्सन ने मुझे फोन करके बताया, अरे आरती पता है तुम्हारे बारे में बिजनेस टुडे में निकला है। और तब हम लोग फटाक से भाग के गए और बिजनेस टुडे खरीद के लाए और हम लोगों ने देखा और पढ़ा कि अरे वाह, ये तो बहुत बहुत यूनिक चीज हुई है मेरे साथ और एकदम अलग सी चीज हुई है, मैंने इतना बड़ा ऐसा क्या कर दिया है जिससे कि मुझे पूछा जा रहा है कि कौन आप क्या कर रहे हो।
और ये कुछ एक समय के अंदर, आप सोच के देखो कि एक डेढ़ साल के अंदर ही आपके बारे में कोई पूछकर और आर्टिकल निकाल देता है, बता देता है। फिर कुछ समय बीता, हम लोगों का मेरे ख्याल से शायद हमने सफायर कर लिया था और लगभग 2004 या 5 की बात है, और हमारे पास फिर से एक इंटरव्यू आया और ये हुआ कि आपको फोटो सेशन देना है, अब आपको फोटो देनी है। और फोटो के लिए आप यकीन नहीं करोगे, शायद वो मेरा पहला शूट था और मेरा बच्चा छोटा सा मेरे साथ साथ चल रहा था, और उस बीच में उसको पॉटी भी आ गई कि मुझे पॉटी जाना है। बहुत छोटा बच्चा था, मतलब गोद खेलता बच्चा, 2-2.5 साल का रहा होगा, और मेरे साथ वो जो है खेल कूद कर रहा था और हमें फोटो शूट देना था। और हम लोग कभी ताज होटल के सामने जाते तो कभी इसके सामने जाते, ये जो हमारा फन मॉल है उसके सामने हमारे पास वो RBI है, तो उनको कुछ इस तरह का उस पिक्चर का कुछ नाम उन्होंने दिया था कि हमें इस तरह की पिक्चर चाहिए जहाँ पे पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग हो और उसमें आपको गाड़ी के सामने ऐसे खड़ा करना है, और वो कुछ फोटोग्राफी में कुछ अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, वो बोला गया। और ऐसे, और वो मुझे याद है मेरे आंखों से पानी झरझर बह रहा था क्योंकि मुझे लगातार कैमरे की तरफ देखना था, और वो एक साथ एक सांस में 200-250-300 फोटोज खींचते थे और कहते थे ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक नहीं है। तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये जो मूवीज में काम करते हैं, जो पिक्चर शूटिंग करते हैं, वो कितना स्ट्रगल करते होंगे कैमरा फेस करके। एक तो हमें सनलाइट पड़ रही है आंखों में और हमें धूल मिट्टी पड़ रही है, हम इधर उधर की लाइट से, और हम वैसी पिक्चर दे पा रहे थे तब उनकी, तब जाके कहीं, और वो हर बार पिक्चर को लेके भेज दे रहा था। तो उस समय, उस जमाने में मैंने जाना कि अरे ये पिक्चर खींच के भेजी जा सकती है कहीं पे, तो वो भेजी जा रही थी। तो ये सारा एक्सपीरियंस है जो कि मुझे ओरिफ्लेम ने दिलाया, और इसी वजह से मैं इसे और ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी सा फील है, ये जो अलग सी फीलिंग है, ये मुझे यहीं से मिली, और ये सिर्फ इस काम को करने की वजह से मिली। शायद मैं अगर कहीं टीचिंग कर रही होती, शायद मैं अगर कहीं जॉब कर रही होती, या शायद मैं कहीं पे कुछ अपना काम बुटीक या पार्लर चला रही होती, तो शायद मैं ये वो फीलिंग नहीं ला पाती, क्योंकि यहाँ मुझे दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की वजह से रिवॉर्ड दिया गया था कि आप आए हो, आप तो अपने लिए पैसे कमा रहे हो, आपने दूसरों को ये ऑफर दिया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ पर भावना गुप्ता जी ने अपने हैंड रेज किए थे, वो कुछ कहना चाह रही हैं या बाय मिस्टेक हो गया था? नहीं, चलिए तो ठीक है। अब हमने काफी बातें कर ली, काफी देर बातें हो गई। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना म्यूट रखिएगा और कैमरा भी ऑफ रखिएगा, ये कोशिश करिएगा जिससे कि हमारी इस शो की, इस लाइव की गरिमा बनी रहे। और अब मैं शिशिर जी को बुलाने जा रही हूँ, जो आपको बताने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे राज जो आपको काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से दोबारा कल, लेकिन अभी आपको शिशिर जी मिल रहे हैं। थैंक यू। आज के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि आज का हमारा विषय था कि हम लोग आज के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करेंगे, आपस में बातें करेंगे, पहले मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर आप चाहेंगे तो उस पर इंटरेक्शन कर सकते हैं। इस मीटिंग की के लिए मैंने आपको, जैसा कि मैसेज आप सारे लोगों को मिला तो आप सारे लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें ये दिया गया था कि कोशिश करिए इसमें उनको बुलाएं जो ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ में जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो अभी तक इस सिस्टम में आया ही नहीं है उसके पास तो अभी और भी सारे सवाल हैं। जो आ चुका है, जो थोड़ा परिपक्व हो चुका है, क्योंकि हर मीटिंग का एक पर्पस होता है, हर मीटिंग अलग स्टैंडर्ड्स की होती है। जैसे किसी बच्चे को जो 5th क्लास में पढ़ता है उसको सीधे BSc की क्लास में ले जाएंगे तो उसको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगी, इसीलिए हमेशा मीटिंग्स की गरिमा बनाएं, जो टॉपिक दिया जाए उसी तरह के लोगों को लाएं तो उनको
आसानी होगी। एनीवेज आज की मीटिंग यकीनन सिर्फ ओरिफ्लेम से संबंधित नहीं है, आज की मीटिंग संबंधित है उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र का हम लोग एक पार्ट हैं, जिसको कि बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा समझ जाएंगे तो यकीनन हम लोग समझ जाएंगे उस पार्ट को जिस पार्ट का हम लोग एक हिस्सा है। तो दोस्तों शुरुआत जहां से करते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं कि कहते हैं कि नेटवर्किंग जिंदगी का वो दूसरा मौका है। नेटवर्किंग जिंदगी का वो दूसरा मौका है जो जिंदगी हमको देती है। आप लोग को अपना माइक जरूर से ठीक से म्यूट रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत होगी। समय आपका है, उसका बिल्कुल सदुपयोग करें। माइक्स म्यूट रखें प्लीज। बिंदु अग्रवाल और डुल्लू मानी माइक म्यूट रखें। तो फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, बार बार लोग माइक ऑन कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत। नमिता श्रीवास्तव माइक म्यूट रखिए, डुल्लू मानी माइक म्यूट रखिए। अगर हम यही कहते रहेंगे तो हम तो आपको कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे। देखिए आगे से कभी भी जिन लोगों को मीटिंग में बुलाई उनको बताइए कि उनको करना क्या क्या है, क्योंकि देखिए बोलने पे भी लोग नहीं कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरे फिर को बार बार ऑन कर ले रहे हैं। चलिए कुछ लोग मीटिंग से रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इनकी बातें नहीं समझ में आ रही। नमिता श्रीवास्तव को कर दिया, डुल्लू मानी को कर दिया। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो बात फिर से वहीं से शुरू करते हैं, बात कहां से थी। कहते हैं नेटवर्किंग जिंदगी का वो दूसरा मौका है जो जिंदगी आपको देती है। कहते हैं पहली बार जिंदगी आपको कब मौका देती है, जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, आप अपना कैरियर शुरू करते हैं, या आपकी चॉइस होती है कि उस पढ़ाई में कितने ऊंचाइयों तक जाएं, उसके थ्रू क्या उपलब्धियां हासिल करें, आईएएस बन जाए, नासा में चले जाएं, एस्ट्रोनॉट बन जाए, यूएसए चले जाए, गूगल का सीईओ हो जाए, सुंदर पिचे ही हो जाए, सारा चांस आपके पास है। लेकिन जब आप उस चांस को मिस कर देते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, एवरेज स्टडीज रही, कोई ऐसी खास डिग्री नहीं लाए और फिर एक आम जीवन जीने लगे, उसके बाद भी अगर आपके जीवन में कहीं से नेटवर्किंग आती है तो ये बिल्कुल समझिएगा अब आपकी लाइफ ने आपको दूसरा चांस दिया है। लाइफ हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में, जिसके भी जीवन में सेकेंड बार नेटवर्किंग शब्द आता है तो समझिए सेकेंड चांस मिलता है जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां यकीनन जीरो से हीरो बना जा सकता है। वरना आप सोचिए, मैं अगर किसी से सवाल करूं कि 50-60 साल का कोई व्यक्ति हो चुका है जिंदगी में, ना उसने ज्यादा पढ़ाई की, ना ज्यादा ज्ञान है, ना दिखने में बहुत हैंडसम है, ना उसके पास पैसे हैं, ना अंग्रेजी आती, बताइए वो क्या कर लेगा, वो क्या ऐसा कर लेगा कि वो लखपति करोड़पति अभी भी हो सकता है। उसकी एज 58 साल हो गई, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, वो सत्संग ज्वाइन कर ले, बेस्ट वही है। तो नॉर्मली देखिए एक्सेप्शन केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोगों को कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। ये है सेकंड चांस। ये है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, ये शुरुआत कैसे हुई? तो इसके लिए बेस्ट है कि हम लोग भारत के संदर्भ में देखें। भारत में 1995 वो वर्ष था जब नेटवर्क मार्केटिंग का भारत में पदार्पण हुआ, और ये जान के आपको बहुत गर्व होगा कि इसकी शुरुआत का श्रेय ओरिफ्लेम को जाता है। ओरिफ्लेम वो पहली कंपनी थी भारत में जिसने इसके साथ में शुरुआत की। भारत सरकार ने जब FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी बोर्ड के थ्रू पूरे वर्ल्ड की कंपनीज के दरवाजे खोले, मल्टीनेशनल्स को भारत में आने का मौका दिया, तो ओरिफ्लेम ने कहा कि हम यहां पे आते हैं और हम शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ओरिफ्लेम जैसे ही आई तो भारत सरकार ने क्या किया, उसने कहा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की रेगुलेशंस के लिए एक बोर्ड बनाते हैं। तो एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया IDSA, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसमें कहा यह गया कि इस संस्था में
जो लोग भी हैं, जो कोई भी इस संस्था में हैं, वही वो हकदार हैं कि इस सिस्टम के साथ जुड़ के भारत में लीगली एक नंबर में इस बिजनेस को कर सकते हैं। और हम लोग को ये श्रेय प्राप्त हुआ कि ओरिफ्लेम उसकी फाउंडर मेंबर बनी। ओरिफ्लेम के बाद एक इंडियन कंपनी जिसका आपने नाम सुना होगा मोदी केयर, वो आई। उसके बाद एक और अमेरिकन कंपनी आई, एमवे। ऐसे ऐसे करते करते ये सफर शुरू हुआ। आज इस सफर को लगभग 26 साल हो गए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप हतप्रभ हो जाएंगे जान के, इन लगभग 26 वर्षों में आईडीएसए के केवल 23 कंपनियां हैं जो आईडीएसए में रजिस्टर्ड। अब जब ये बात अगर आप सुनते हैं, अब एक बार जरा सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं एक पेन और पेपर लेके बैठिए और कुछ ऐसी कंपनियों का नाम लिखिए जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की आप जानते हैं, इस मीटिंग में जितने लोग हैं अगर सब लोग लिखने लगेंगे तो यकीनन 100-200 नाम हम लोग लिख लेंगे। तो ये 100-200 नाम कैसे लिख दे रहे हैं हम? एक तरफ मैं बता रहा हूं कि आईडीएसए में 23 लोग हैं 26 साल में, जो कि आप आईडीएसए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये कैसे 100-200 नाम कैसे हम लोग लिख देते हैं? ये है इलीगल कंपनीज जो घरों में किसी ने खोल दी, जो इजी सिस्टम दिखा दिया, सिर्फ दो लोगों को जोड़ो, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सामान नहीं बेचना, कुछ नहीं खरीदना, एक बार पैसे देने, और इस आड़ में तमाम स्कैम्स हुए, तमाम घोटाले हुए, तमाम कंपनियां आई और रातों रात चली गई, जिसमें नाम अगर लिखने लगे तो पता नहीं कितने, हर शहर में 100-100, 200-200 नाम। जिसमें भारत में एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल हुआ जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग फंस गए थे, वो था स्पीक एशिया। तो सवाल ये उठता है कि क्यों लोग ऐसी कंपनियां करने लगे? वो करने ये इसलिए लगते हैं कि लोगों को क्या जानकारी है, लोगों को कहां जानकारी कि कौन सही होती कौन नहीं सही होती, कैसे जानेंगे वो? तो वो जान सकें, ये फर्ज है हमारा, आपका, हम नेटवर्कर्स का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आए और लोगों को सिखाएं कि क्या तरीके हैं, सबसे पहले कैसे जानें कि कौन सी कंपनी सही है या नहीं। जैसे अगर हम एक प्रबुद्ध नागरिक हैं और हमको किसी बैंक में अकाउंट खोलना है, तो हम क्या सिर्फ ये देखेंगे कौन बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है? नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे ये आरबीआई अप्रूव्ड बैंक है कि नहीं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये कौन सा बैंक है। अगर लिखा वहां पे कि मतलब कुछ ऐसे बैंक का नाम लिखा जो आपने सुना ही नहीं कभी, लेकिन वो कह रहा है बाकी बैंक तो 10% देते, मैं 20% ब्याज दे रहा हूं, तो आप अकाउंट खोल लेंगे? नहीं, आपको तुरंत आपके कान खड़े हो जाने, जरा देखें ये ऐसे कैसे। तो जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो हम देखेंगे वो आरबीआई से अप्रूव्ड है कि नहीं। हम किसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेंगे तो हम देखेंगे वो आईआरडीए की सदस्य है कि नहीं। हम एक प्रेशर कुकर भी घर में लाएंगे तो देखेंगे कि वो आईएसआई की मोहर उस पर लगी है कि नहीं। तो जहां पे हम कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पे नहीं देखेंगे कि वो आईडीएसए की सदस्य है कि नहीं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है। और इत्तेफाक देखिए सिर्फ 23 कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड, ओनली 23। तो यानी कि हम लोग एक सही कंपनी। चलिए आगे बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग भारत में इसको लगभग 26 साल हो रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया ही, लेकिन इन 26 वर्षों में भारत सरकार इसके लिए वैसे बहुत सीरियस नहीं थी, इसका प्रमोट नहीं करती थी। आपने शायद ही कभी किसी अखबार में पढ़ा हो कि फलानी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग से उसने जगुआर खरीद ली, फलानी कंपनी के 1000 लोग विश्व यात्रा पे जा रहे हैं, फलानी कंपनी का एक लीडर 20 लाख रुपए महीना कमाता है। ये तो रोज अखबारों में आना चाहिए, कुछ खराब बात है? एक रोजगार की बात है। घर बैठा आदमी जिसको लगता है जीवन में कुछ नहीं हो सकता, वो अचानक उठ खड़ा हुआ और इतने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, ये तो आना चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए इस वजह से बहुत सीरियस नहीं थी क्योंकि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। सन 2016-17 में जब मंदी के हालात हुए और वो जो हालात अभी तक चले आ रहे हैं सबको पता है, तो सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही थी कि क्या क्या तरीके ऐसे अपनाए जाए जिसमें जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब्स मिल सके। तो उसमें किसी ने बताया, सर अपने यहां तो चलती हैं अच्छी कंपनियां, आईडीएसए रजिस्टर्ड है। तो रामविलास पासवान जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का अध्ययन करने को बोला गया। जब इस पे अध्ययन करने के लिए बोला गया तो सरकार ने 2 अलग-अलग एजेंसी को इसका सर्वे करने का मौका दिया। एक एजेंसी है जिसका नाम है केपीएमजी। केपीएमजी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी
सर्वे एजेंसी और दूसरी है फिक्की, दोनों को इस इंडस्ट्री के बारे में क्या इसमें संभावना, इसमें क्या हो सकता है उसके बारे में अध्ययन करके हमें रिपोर्ट पेश करिए। और इत्तेफाक देखिए ऑलमोस्ट दोनों सर्वे कंपनीज की रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम थी। क्या कि सर जब अभी हम लोगों ने गाइडलाइंस नहीं बनाई है, जब हमने इसको इंडस्ट्री नहीं घोषित किया है, तो आज कुछ बेहतरीन कंपनियां हैं जिनके पास बेहतरीन प्लान है, जो एथिक्स को फॉलो करती हैं, जो वर्ल्ड वाइड शानदार काम कर रही हैं और इंडिया में भी आके वो बहुत अच्छी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं, और ये सारी कंपनियां मिलके जो टोटल टर्नओवर कर रही हैं वो लगभग 10,000 करोड़ का है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर सारी कंपनियां मिलके कर रही थी। संभावनाओं पर बात हुई, तो संभावनाओं पर जब बात हुई तो दोनों एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट ये थी कि आज 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन जिस रफ्तार से इंडस्ट्री बढ़ रही है, ये रिपोर्ट है 2016-17 की, यानी कि आज से लगभग 3 साल पहले की, तो उसमें बताया गया सर जिस रफ्तार से बढ़ रही है ये अपने बूम पे कब आएगी, 2025 में, 2025 वो वर्ष होगा ये इंडस्ट्री बूम कर जाएगी जिस रफ्तार से बढ़ रही है। और संभावना ये है कि जो इंडस्ट्री आज 10,000 करोड़ की है ये 2025 में 65,000 करोड़ की हो चुकी होगी, 65,000 करोड़। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 10,000 करोड़ से 65,000 करोड़ का मतलब हुआ 6.5 times, 6.5 गुना बढ़ जाएगी। 10,000 का 20,000 नहीं होगा, 30,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000 नहीं, 60,000 नहीं, 65,000 करोड़। और ये रिपोर्ट्स मीडिया में भरी हुई हैं, न्यूज़पेपर्स में आई, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, नेट पे उपलब्ध है, हर जगह सबको पता है ये बात। अभी लेटेस्ट मैंने आप सभी सारे लोगों को एक रिपोर्ट भेजी थी अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में, जो एक IDSA की एक सेमिनार हुई, उसकी हमने आपको रिपोर्ट आप सारे लोगों को भेजी थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। वो रिपोर्ट भी इस बात को बता रही कि अब लोग इस पर एकदम हैरान हो गए, क्योंकि जब 2016-2017 की बात हो रही है, जब 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री ये थी, तो हर कंपनी में कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, इतने इतने रुपए लोग पर मंथ कमा रहे थे लगभग हर कंपनी। ये बढ़िया कंपनी जो है, ये 23 कंपनियों का मैं बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप बताइए, जब ये इंडस्ट्री अभी सरकारी निगाह में नहीं आई थी, इसको इंडस्ट्री नहीं घोषित किया गया था, इसमें गाइडलाइंस नहीं बनी थी, तब तो ये 10,000 करोड़ कर चुकी थी। सरकार इसके लिए सीरियस हुई और उसके बाद शुरू हुआ 2018-19 में शुरू हुआ कि इसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में शामिल किया जाए, बीकॉम में बच्चों को पढ़ाओ, MBA में बच्चों को पढ़ाओ। एक इतना अच्छा काम है कि घर बैठे कर सकते हैं, एंटरप्रेनर बन सकते हैं, कि क्यों नौकर बनाने की बातें हम लोग कर रहे हैं, वो जॉब्स क्यों खोजें? क्योंकि यहां पे क्या बढ़िया बात है कि जो भी यहां पे आ रहा है वो दूसरों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है। बाकी जगह तो ऐसा नहीं होता ना, बाकी अगर आपको कहीं जॉब मिल गई तो आपको मिल गई ना, आप दूसरों के लिए क्रिएट करेंगे। मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था, आप में से मैक्सिमम लोग इस बात को जानते हैं। मैं अगर आज बैंक में ही रहता तो मैं आप इस मीटिंग में लगभग 100 लोग के 100 लोग बैंक में ला सकता था, मैं एक भी आदमी को नहीं ला सकता। ये मेरे में काबिलियत नहीं, मैं कैसे लाता? आप अपना एग्जाम दो, काबिल लोगों तो भर्ती हो जाएगी, नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज इस इंडस्ट्री की वजह से मैं रोज 100 लोगों को ला सकता हूं, रोज 1,000 लोगों को ला सकता हूं, रोज 1,00,000 लोगों को ला सकता हूं। मैं लोगों को नौकरियां दे सकता हूं, काम दे सकता हूं, नौकरी मतलब काम दे सकता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकता हूं, एंटरप्रेन्योर बना सकता हूं। इससे बड़ी कोई बात है? मैं तो वो बना रहा हूं जो बनने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, कोई भी एनी मोहल्ले के, तहसील के, जिले के, राज्य के, देश के या पूरे वर्ल्ड के, वो सारे के सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, कोई नौकरी नहीं करता। मैं तो सीधे आपको जीरो से हीरो बना रहा हूं। ये अवसर, ये ताकत मुझको कहां से मिली? ये इस इंडस्ट्री से। तो सरकार ने देखा क्या बढ़िया बात है, यहां जो भी व्यक्ति आता है वो दूसरों के लिए जॉब क्रिएट करता है, जो दूसरा आता है वो तीसरे के लिए जॉब क्रिएट कर रहा है, यार इसको प्रमोट करने वाला है। तो भारत सरकार ने इसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू किया। जो पहली यूनिवर्सिटी का चुनाव किया गया वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका सिलेबस देखिए MBA का, तो आप पढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग। अब जो जनरेशन आ रही है ये पढ़ के आने वाली है। अभी तक जो लोग कर रहे थे मेरे जैसे, वो सारे लोग सिर्फ करने लगे थे, पढ़ा नहीं था। फर्क मालूम क्या है, अब जो आ रहे हैं लोग वो ये सब पढ़ के आएंगे, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग ने क्या क्या किया, नेटवर्किंग से जुड़ के किस किस देश में लोगों ने क्या क्या पाया,
लोगों ने हवाई जहाज खरीद दिए, लोगों ने हेलीकॉप्टर खरीद दिए, लोगों ने आइलैंड खरीद डाले, लोगों ने याट खरीद डाली, लोग बिलीनियर्स हो गए। अमेरिका जैसा देश जहां के 10,000 जो बिलीनियर है उसमें 25% लोग नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। हम लोग क्या अभी हम लोग कुछ जान ही नहीं रहे, अरे ये मेंबर चेन वाला काम है, अरे इसमें कुछ नहीं होता, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। क्या बातें कर रहे हो, जो बेस्ट काम है वो नहीं करोगे क्योंकि तुमको उसके बारे में पता ही नहीं है। और पता चल जाएगा तो मन में कोई सवाल नहीं होंगे, बस पूछोगे कि कैसे करें। नहीं करेंगे शब्द तुम्हारे मन में नहीं आएगा क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। अब पढ़ाया जाना शुरू किया है। दूसरी यूनिवर्सिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, चौथी थी पुणे यूनिवर्सिटी, फिर थी कर्नाटका यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, पूरी लिस्ट है। अभी हो सकता है कुछ और भी बढ़ चुकी है, मेरे पास लास्ट अपडेशन है। 7 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लग गया और युद्ध स्तर पर तैयारी हुई, इसकी गाइडलाइंस बनी, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया और आज नेटवर्क मार्केटिंग एकदम फ्लरिश कर रही है। यही है आने वाले कल का बिजनेस, यही है सब कुछ। और जब अभी सिर्फ शुरुआत हुई, जब भारत ने इसमें चलना शुरू किया तो देखिए हुआ क्या। यूएसए वो देश जो नेटवर्क मार्केटिंग का शहंशाह माना जाता है, मोस्ट नंबर ऑफ अचीवर्स इन एनी कंपनी, मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स पूरी दुनिया में अगर नेटवर्क मार्केटिंग के कहीं है तो वह यूएसए में। लेकिन उसके साथ में भी तो देखिए, यूएसए इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी है। वहां के लोगों को समझ में आ रहा है और हम लोग जो विकसित देश है हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सॉरी विकासशील देश हैं, हम लोग भी विकसित में किस श्रेणी में आ जाएंगे जिस दिन हमारे आगे लोगों को समझ में आ जाए। मैं खुद इस कंपनी के माध्यम से यूएसए गया, फ्लोरिडा गया, मियामी गया, मैं वहां कई सारे ऐसे लोगों से मिला जहां की जिनकी तीसरी पुश्ते ये काम कर रही हैं। बाबा यही करते थे, फिर पापा ये करते, और फक्र से लोग बताते हैं। यहां तो कई सारे लोग जुड़ जाते हैं तो अपने अपनों को नहीं बताते, शर्माते हैं बताने। अभी समझ ही नहीं इतनी बड़ी, अभी यहां बड़ी शैशव अवस्था में। वहां की पॉपुलेशन है यूएसए की 32 करोड़, और कैन यू बिलीव 32 करोड़ की पॉपुलेशन में वहां पे जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं सबने मिलके जो टर्नओवर किया वो 2,12,550 करोड़ का, 2,12,550 करोड़ का जब वहां की पॉपुलेशन है 32 करोड़। अभी हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 140 करोड़, अमेरिका जैसे 6 अमेरिका हम लोग बना दें 140 करोड़। और टर्नओवर हमारा मालूम कितना है नेटवर्क मार्केटिंग का, सारी कंपनी जो भी आप जानते हैं सब मिला के है लगभग 13,000 करोड़ का लेटेस्ट, 13,000, वो 2,12,000 और हम लोग 13,000। और उसके बाद भी नहीं काम करने वाले लोग अक्सर हमसे क्या कहते हैं, अरे सर सब लोग तो जुड़ गए हैं, जिससे देखो वो जुड़ा ही हुआ है, अरे सर कोई जुड़ता ही नहीं, मतलब वो भाई एक्सक्यूजेस बहाने, अरे अभी तो इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये है संभावना है। और आप यकीन मानिए मैं तो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर ही रहा था, मुझको तो 23 साल हो ही चुके हैं, अगर इस देश में 26 साल हो रहा है तो 23 साल से मैं भी इस बिजनेस में, मैंने इस बिजनेस को नीचे से ऊपर तक आते देखा, हर कंपनी को आते देखा, अपनी कंपनी को देखा, 58 प्रोडक्ट से कब 1,000 प्रोडक्ट पे आ गई, चलने से दौड़ते हुए देखा, 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाने वालों को 20-20, 30-30 लाख रुपए कमाते, सब देखा मैंने। लेकिन जब मैंने देखा या जब मैंने निर्णय लिया था तब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, कोई फिक्की नहीं था, कोई सरकार नहीं थी, कोई केपीएमजी नहीं था, कोई प्रिडिक्शन नहीं था, कोई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जा रहा था, कोई डिजिटल नहीं था। आज जब ये हुआ तब तक ये इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच चुकी, तो मैं तो इससे बहुत ही प्रभावित हूं कि जब कुछ ये सब नहीं था तो इंडस्ट्री 13,000 करोड़ को में पहुंच गई, अब तो होने वाला है। तो मैं क्या सोचता हूं, यानी कि अगर 6-7 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो आज जो लोग हैं जो आज जुड़े हैं और तब तक रहेंगे, डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि इस बिजनेस में आ सब जाते हैं लेकिन टिकने की हिम्मत जिसमें होती है कमा वही जाता है, क्योंकि ये तो डार्विन ने कहा था, हर जगह हर आना हर जगह आसान है, दुनिया में बहुत आना बहुत आसान है, क्योंकि सब लोग दुनिया में आके कुछ तुर्रम खा बन जाते हैं, कोई तोप मार देते हैं, नहीं, इस बिजनेस में आना बहुत आसान है तो यहां पे आके सब लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, नहीं, लेकिन बन सकते हैं अगर टिके रहे। टिके रहने की जिनमें क्षमता है तो क्या होगा, जो आज हैं इस बिजनेस में और तब तक टिके रहेंगे, तब तक भी कितना, जो 2020 तो चला ही गया, खत्म हो गया, तो यानी कि अगले 4 साल और बिता लो और इस नेटवर्किंग के आप चरम पे होंगे। आज अगर आप 1,00,000 रुपए पा रहे होंगे तो आप यकीन मानिए अगर आप जुटे रहेंगे तो आपकी इनकम 6,00,000-7,00,000 होगी, आप 10,000 पा रहे हैं तो आराम से 60-70,000 होगी। ये
इसके अनुपात में मैं बता रहा हूं, होगी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, आप नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी कंपनी नहीं बढ़ रही है, आप नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री बढ़ गई, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। अभी तो इसमें यंगस्टर्स का आना शुरू हुआ है। अभी तक क्या बातें होती थी, ये हाउस वाइफ का काम है, रिटायर लोगों का काम है जो घर में है, है ना। आज क्या बात होती, आज बताइए हमारे युवाओं के पास कौन सा काम है, हमारे बच्चों के पास कौन सा काम है। इस रिपोर्ट में एक और भी पन्ने हैं, उन पन्नों में क्या लिखा है, भारत में प्रति वर्ष 90 लाख बच्चे बैचलर डिग्री पढ़ ले लेके निकल रहे हैं। कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कुछ भी बैचलर डिग्री। 90 लाख बच्चे, भैया जहां की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 90 लाख बच्चे नहीं पढ़ के निकल रहे होंगे। 90 लाख को राउंड फिगर में 1 करोड़ कह लीजिए, 1 करोड़ बच्चे हर साल निकल रहे हैं पढ़ के। और मेरा भी सवाल ये है कि क्या इतनी नौकरियां हैं, क्या 1 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष हैं? और मेरा क्या सवाल है कि इसका आंसर आप सबको पता कि नहीं है, सबको पता है, सरकार को पता है, आपको पता है, मुझको पता है, सबको पता है। और अभी तो हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आप में से अधिकतर लोगों को शायद पता होगा 14 से 15 करोड़ लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। कुछ इंडस्ट्रीज की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो कब उभरेंगी कुछ नहीं पता। होटल इंडस्ट्री, कब खुलेंगे होटल कुछ नहीं पता। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ओला उबर, ओयो, ट्रिवैगो, जो भी आप नाम जानते हैं, सबकी हालत खस्ता। हवाई जहाज इंडस्ट्री, निकाल दिए गए पायलट्स, भैया घर में बैठो, निकाल दी गई एयर होस्टेसेस, 5-5 साल के लिए एयर इंडिया ने निकाल दिया, 5 ईयर्स के लिए लीव विदाउट पे, मतलब ऑलमोस्ट निकाल ही दिया। बड़े बड़े सेक्टर्स बंद हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे थे उनके काम चले गए। ये जो बच्चे अभी निकल के नई पहुंच जो 1 करोड़ की निकली होगी इस साल वाली, उनको क्या कौन सा काम मिला जा रहा है, जिनके थे उनके पास काम नहीं है, जो अब आके तैयार खड़े उनको काम मिला जा रहा है। ये है वो सही वक्त, क्योंकि क्या बढ़िया बात है जब ये इंडस्ट्री चरम पे है। इत्तेफाक से ये आपदा हम लोग के पास आई, लेकिन कहते हैं हर आपदा अवसर भी लेके आती है, ये है अवसर, आज समय है राइट डिसीजन लेने का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको बात बताई, ये इंडस्ट्री के बारे में बताया। अब हम लोग आपको बताते हैं आपको बढ़िया बात कि इस इंडस्ट्री में एक बात जो होती है, जो बहुत मजेदार बात है, वर्ल्ड वाइड मैं बात बता रहा हूं, मैं हर कंपनी के बारे में बता रहा हूं दुनिया की, कि जितना टर्नओवर होता है उसका लगभग 40% एंड अबव पे आउट बढ़ता है। यानी कि अगर 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच का पैसा हमारे आपके जैसे लोगों के पास आया, लोगों के पास चांस है पैसा कमाने का। जब ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी तो मालूम क्या होगा, लगभग 30,000 रुपए बटेंगे हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में। हमको आपको तय करना है कि उस 30,000 करोड़ में हमको 3,000 करोड़ लेना है, 300 करोड़ लेना है, 3 करोड़ लेना है, 3 लाख लेना है या 30,000 लेना है, यह आपको डिसाइड करना है। हमको लेना कितना है यह हमको डिसाइड करना है। हमको यह डिसाइड करना है कि क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम आज जुड़ रहे हो तब तक रहेंगे, हम सर्वाइव करेंगे। और अगर इतनी बड़ी संभावना है तो यकीनन सर्वाइव, इससे खूबसूरत कौन सी जगह हो सकती है। ऐसा सर्वाइव करें कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट में दे के जाए बना बनाया काम, इससे पुण्य कोई बात हो सकती है। हर घर में क्या हो रहा, बेटा तुम पढ़ो, कहीं नौकरी करो, खूब अच्छे नंबर लाओ, नौकरी वरना नहीं मिलेगी। इसको, इस मिथ को तोड़िए, इन शब्दों के जाल को चेंज कर दीजिए, चेंज करिए कि तुम मस्त रहो, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, और हम जो बिजनेस कर रहे हैं तुम इसको करो, तुमको मैं बना बनाया बिजनेस देके जा रहा हूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखिए दुनिया अब डिजिटल होने को है और ऑलमोस्ट हो गई। होने को क्या है, लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड में ना हवाई जहाज उड़े, ना रोडवेज की बसें चली, ना ट्रेन चली, कुछ नहीं चला, केवल एक चीज चली, नेटवर्क मार्केटिंग। और यह कहने में मुझको बार बार फक्र है, और मैं किसी से कितनी भी बहस कर सकता हूं, और मैं जानता हूं जो भी अगर बहस कर रहा है इस विषय पर तो उसकी बुद्धि कितनी कमजोर है। क्या चला इस दुनिया में भैया बताओ, लोगों के अकाउंट में, बड़े बड़े लोग जो जिन्होंने बड़ी बड़ी फ्रेंड, मेरे घर, मेरा अपना कॉम्प्लेक्स है,
वहां पे कैफे कॉफी डे तक था, वो बंद हो गया। कैफे कॉफी डे जिसने उसकी फ्रेंचाइजी ली थी वो तो मर गया, 50 लाख रुपए उसने लगाए थे, 2 महीने में खत्म, घर में बैठा है। एक एक सज्जन आईएएस पीसीएस की कोचिंग चलाते थे 2 साल से, कि कब तक बैठे रहेंगे, 6 महीने से कोचिंग नहीं खुल रही, बंद हो गया। मेरे कॉम्प्लेक्स में जितनी शॉप्स थी सब बंद हो गई। क्या ये सिर्फ मेरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे देश में नहीं ऐसा हुआ है, सब बंद। लेकिन लोगों के अकाउंट में 5 रुपए नहीं आए, हम लोग के अकाउंट में वैसे ही, जिसके जिस जो पर मंथ 50,000 पा रहा था उसके यहाँ 50,000 आता रहा, जो 5 लाख पा रहा था उसके यहाँ 5 लाख आता रहा, जो 10 लाख पा रहा था वो 10 लाख आता रहा। क्योंकि डिजिटली है हम लोग, दुनिया बाहर नहीं निकल रही है, लेकिन हम लोग डिजिटली तो बाहर निकल रहे हैं, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग अपना प्लान बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, जूम पे मिल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, काम हो रहा है। तो आप बताइए कितना सुंदर काम है ये, हम लोग ने जाने अनजाने में सीख लिया डिजिटल होना, और समय के साथ में हम लोग चल पड़े। और उससे बढ़िया क्या बात हुई, क्योंकि दुनिया में जो समय के साथ नहीं चला उसके उदाहरण मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आज अधिकतर लोगों को याद भी है कि कोडक की रील आती थी, एक कैमरा होता था उसकी रील हम लोग लेके आते थे, लगाते थे। कोडक ने समय के साथ में चेंज नहीं किया, आज डिजिटल कैमरे हो गए, कोडक कंपनी बंद हो गई। क्या हम में से यहां पे कुछ लोग हैं जिनको याद है कि हम लोग जब थोड़े छोटे थे तो कार का मतलब सिर्फ एम्बेसडर और फिएट हुआ करता था। फिएट वो ब्रांड जो आज भी दुनिया की फास्टेस्ट कार बनाता, फेरारी, आज इंडिया में उसको कोई पूछता नहीं, उसको 10,000 रुपए में कोई नहीं खरीदता। फिएट बोल देंगे तो हंसने लगेगा, क्योंकि समय के साथ में उसने बदलाव नहीं किया। आज किसी भी व्यक्ति का सपना, ड्रीम होता है कि कभी मैं, मेरा ड्रीम है कि मैं नोकिया का मोबाइल लूं, ड्रीम तो होता है सैमसंग का, ड्रीम तो होता है आईफोन का, क्यों नोकिया क्यों नहीं होता है? जबकि टेलीफोन की शुरुआत हुई तो वो तो नोकिया से हुई थी, मोबाइल से कहां चला गया नोकिया? समय के साथ में नहीं बदला, समय के साथ में जिसने भी नहीं बदला वो गायब, अब तो एकदम गायब। और जिन्होंने बदला जरा वो एग्जाम्पल हम लोग देख लें, वो एग्जाम्पल देखिए, आज की तारीख में अगर आपको टैक्सी चाहिए होती है तो चौराहे पे नहीं जाते हैं, जाके बार्गेनिंग नहीं करनी, वो जमाने लद गए। और जो आज भी बार्गेनिंग कर रहे हैं वो अभी वही पुराने जमाने में जी रहे हैं, पुराना जीवन जी रहे हैं। आज अपने मोबाइल में एक ऐप रखिए, ओला उबर का बटन दबाइए, वो पूछेगा कहाँ जाना है, आप कहेंगे एयरपोर्ट जाना है, वो कहेगा इतने पैसे लगेंगे और 3 मिनट में मैं आपके यहाँ आ रहा हूं। आपको समय भी पता है और आपको दिख भी रहा है कि वो टैक्सी चल रही है, जीपीआरएस में दिख भी रहा आती हुई। बताइए ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे या वो वाला चौराहे पे जाएंगे, वहां टैक्सी नहीं मिल रही है, वो बार्गेन कर रहा है, अरे तुम तो ज्यादा पैसे मांग रहे हो, वो करेंगे? कौन सा जीवन आसान? यकीनन पहले वाला। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आज क्या जमाना आ गया कि हम घर बैठे खाना मंगा सकते हैं, हम स्विगी में जाएंगे डिस्काउंट भी मिल जा रहा है, मेरे घर पे आके दे रहा है, घर से 15 किलोमीटर दूर एक बढ़िया रेस्टोरेंट जहां की बिरयानी खाने का मन है, जाने की जरूरत नहीं है, आने जाने में पैसा खर्च होगा, ट्रैफिक में परेशान होंगे, पार्किंग का पैसा खर्च होगा, वही सामान घर पे आ जा रहा, पैसे उतने भी नहीं, उसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्यों जाएंगे भाई? तब भी अगर जाएंगे तो यानी कि हम जमाने के साथ में नहीं बदले, बदलना नहीं चाह रहे। हाँ शौकिया जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कसम थोड़ी नहीं कि नहीं जा सकते, मन है आज बाहर निकलने का तो जा सकते हैं। या आज होटल, किसी होटल में जाना है तो वहां जाके नहीं देखना है, यहीं घर में बैठे बैठे ओयो ट्रिवैगो ऐप देखे, यहीं से बुक करा लिया, दाम भी पता है, डिस्काउंट्स भी मिल गए, ये भी पता कितने रूम खाली हैं, वहां पे क्या क्या फैसिलिटी है, होटल का कमरा अंदर से कैसा है, सब देख लिया। ये क्या है? डिजिटल। आपको हवाई जहाज का टिकट लेना है, बस का टिकट लेना है, आपको ट्रेन का टिकट लेना है, तो क्या रेलवे स्टेशन जाके खड़े रहेंगे लाइन में, जाएंगे ऑटो से या अपनी हीरो होंडा से, वहां पर पार्किंग में खड़ी करेंगे टू व्हीलर, फिर जाएंगे लाइन में खड़ेंगे फॉर्म, ऐसा करेंगे? या ऐप खोलेंगे मेक माई ट्रिप यात्रा और टिकट बुक कर लेंगे? आज राशन मंगाना है बिग बाजार में, बिग बास्केट में जाइए, ग्रोफर्स में जाइए, राशन आ जाता है। और सबसे गजब की बात, जिसने डिजिटली चेंज किया है उसके बारे में तो यहां हम लोग जरूर से जिक्र करेंगे, क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, वो है अर्बन क्लैप। कितने लोगों के रोजगार ले गया। आपको बढ़ा ही चाहिए तो
अपने बड़े से जी हुजूरी नहीं करनी भैया आ जाओ एक कब्जा चेंज करना था, अरे एक इतने से काम के लिए थोड़ी ना आएंगे, वो एक कब्जा भी चेंज करने के लिए आते हैं और आने से पहले ही बता देंगे कि कितने पैसे लगेंगे, आपको पता भी वो नहीं बड़ा ही आएगा नहीं 200 नहीं हम 100, आप कह रहे हैं नहीं 100 ले लो एक इतना ही तो काम किया, वो कह रहा है नहीं नहीं हम 200 से कम नहीं लेते हैं, यहाँ 30-40 रुपए मैंने काम कराया है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए प्लम्बर चाहिए, रात के 11 बजे भी आप डिसीजन लेंगे ना तो सुबह 10 बजे आपके घर पे खड़ा होगा, ऐसे जरा बुला के दिखा लीजिए। और अभी तो गजब हो गया, अब तो ब्यूटी पार्लर का भी काम ये लोग करने लगे। मेरी अपनी रियल सिस्टर का 17 साल पुराना पार्लर बंद हो गया बंबई में, 17 साल का पार्लर था, कि वो हमको बताने लगी कि ये अर्बन क्लैप वाले लोगों का घर चले जाते हैं, चाहे फेशियल करना चाहे जो काम करना घर पे हैं, और जो ब्रांड चाहिए वो ब्रांड भी वो लेके आ रहे हैं, आपसे डिस्कस कर लेंगे, तो जब घर बैठे हो रहा है तो क्यों जाएगा आदमी पार्लर। और मेरी सिस्टर बताने लगी कि ना भैया सिर्फ मेरा पार्लर नहीं बंद हुआ, और मेरा जो बंद हुआ वो तो छोड़ो, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी VLCC की, लैक्मे की, शहनाज की, वो लोग तो बर्बाद हो गए, कि उन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए दिए थे, वो तो कहीं के नहीं रहे। इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो क्या हम चेंज हो रहे हैं, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एयरबीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा होटल, एक भी होटल उसका अपना नहीं है लेकिन एयरबीएनबी सबसे ज्यादा होटल बुकिंग वाली साइट्स, पॉलिसी बाजार से आज लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो घर में LIC वाले को भगाते नहीं है, LIC अरे छोड़ो छोड़ो पॉलिसी बाजार में ले लिया। और हम इंग्लैंड गए थे इस कंपनी के माध्यम से, मेरी कोई रिश्तेदार भी रहती है, मेरे सगे चाचा जी की बिटिया वहां रहती है, हम लोग उसके साथ मिलने गए, उसने मुझको एक ऐसी बात बताई जो मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो भी यहां होने वाला है मालूम। इंग्लैंड में एक किसी कचहरी में वकील नहीं बैठे रहते यहां की तरह लाइन से बाहर बैठे हैं, टेढ़ी मेढ़ी मेज लगा के, बारिश हो रही है बच रहे हैं, वो सब कुर्सियों में चेन लगी वो सब नहीं होता वहां पे, वहां पे वकील का मतलब होता है, लीगल एडवाइस का मतलब होता है ऑनलाइन। और वहां पे अगर कोई कह देता कि मैं लॉयर हूं तो समझ लीजिए वो गजब का आदमी है, क्योंकि वहां पे लॉयर बहुत ही जो डायनेमिक लोग होते हैं बस वही होते हैं, चंद लोग, यहां की तरह सैकड़ों हजारों लाखों नहीं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है ये UK में हुआ ये यहां नहीं होगा? जिस दिन यहां होगा तो बताइए क्या होगा, वो इंडस्ट्री भी चेंज हो जाएगी। वैसे ही प्रॉब्लम है वहां पे, इतने दिन से लॉकडाउन था, बंद था, नहीं जा पा रहे थे, पैसे नहीं आ पा रहे थे, और जब 100% ये भी ऑनलाइन हो जाएगा क्योंकि सब कुछ यहां हुआ है देर सके, तो क्या होगा? रोजगार के संकट, और हर चीज का जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए हमेशा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोगों ने नेटवर्किंग की बात की, अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं, वो यहां से लेके जाइए। और मैं हमेशा कहता हूं इन अच्छी बातों को हो सके तो लिखिए। तो वो क्या बातें हैं कि देखिए, नेटवर्किंग और खेती में ज्यादा अंतर नहीं है। नेटवर्किंग में अगर आप आए हैं तो यहां पे लोगों को आपको बुलाते रहना होगा, बुलाते रहना होगा, बुलाते रहना होगा, ये प्रोसेस कभी रुकना नहीं है। खेती करते हैं ना तो बीज डालते रहे, ऐसा थोड़ा बस एक बार बीज डाल दिया और बस उसके बाद आप कभी नहीं डालेंगे, खत्म। बीज डालते रहेंगे, बीज डालते रहेंगे, बीज डालते रहेंगे, खेती होती रहेगी। यहां पे भी प्रोस्पेक्टिंग करते रहेंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे, रिक्रूट करते रहेंगे। अब यहां पे कोई पूछे सर ये सर कौन सी बात है, तो आप बताइए क्या आज की तारीख में आपने कभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विज्ञापन नहीं देखा है? आप कहेंगे बिल्कुल देखा है, बल्कि सड़कों में जगह जगह स्टॉल लगा के बैठे रहते हैं, स्टैंडी लगा के पर्चियां बांटते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग, मैं खुद स्टेट बैंक में था। क्या आपने हीरो होंडा की कोई स्टैंडी लगा के या कोई स्टॉल या किसी फेट में गए हो, मेले में गए, वहां पे उसका स्टॉल नहीं देखा? आप कहेंगे देखा है। मारुति का देखा है कि नहीं? देखा है। क्यों, इनको क्या जरूरत है? मारुति देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, हीरो होंडा सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है, स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसको क्या जरूरत है कि नए ग्राहक की? नहीं, नए ग्राहक की आवश्यकता हमेशा है, क्योंकि आज जो 17 साल का है वो 2 साल बाद 19 साल का होगा, वो है ग्राहक नया। आज जो पढ़ाई कर रहा है कल उसकी शादी होगी, वो है ग्राहक नया। आज जो मम्मी पापा के पास रहता है वो अपना घर बनाएगा, वो है ग्राहक नया। हर कंपनी के लिए ग्राहक नया है, कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर नेटवर्किंग में आ रहे हैं तो रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट, ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप चलते रहेंगे और धीरे 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 आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला कि नेटवर्किंग बिल्कुल खेती की तरह है, तो दोस्तों बिल्कुल खेती में जैसे बीज बोते रहना है, यानी कि रिक्रूटमेंट, खेती में जैसे खर पतवार हटाते रहना है, खेती में जैसे खाद और पानी डालते रहना है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स, खाद और पानी ट्रेनिंग्स। कहते हैं
सीखना बंद तो जीतना बंद। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करना बंद कर दिया, इस बिजनेस से आउट, इस बिजनेस से कब आप बाहर हो जाएंगे और आपको कोई पूछेगा भी नहीं, यहां कोई किसी को याद नहीं रखता। कीटनाशक डालते रहना है, अपने ग्रुप को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेना होगा कि हम इस बिजनेस में कितना बड़ा बनने आए हैं। शौकिया आए हैं, शौकिया बागवानी करनी है तो गमलों में कुछ पेड़ लगा लीजिए। आए हैं व्यवसाय करने के लिए तो कई एकड़, कई हेक्टर, कई बीघा में खेती करनी होगी, गमलों में पेड़ नहीं। इसका मतलब ये, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, तीन लोगों को जोड़ दिया और वो तीनों काम नहीं कर रहे हैं किसी वजह से। अरे सर बताइए, तीन लोगों को जोड़ा ही था, अब बड़ा सर दिल टूट के, ठीक, मतलब बीज बोना ही छोड़ दिया, अब बस तीन ही, मैं पूरे वर्ल्ड में तीन ही लोगों को जानता था। ये क्या है? आपने, आप शौकिया इस बिजनेस में आए थे तो आप बाहर जा रहे हैं, कोई मुझको दुख नहीं, ओके बाय बाय। आप यहां पे आए कुछ करने के लिए तो आपको हमेशा ही ऑनगोइंग प्रोसेस है और मुट्ठियों में भर भर के लोगों को जोड़िए। आगे बढ़ते हम लोग, एक फंडे को यहां से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर इस बिजनेस में आए हैं, सीरियस हैं, लाइफ चेंज करनी है, सक्सेस पानी है, कुछ बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो वो क्या, 10,000 hours थ्योरी। कहते हैं किसी भी व्यवसाय में कोई व्यक्ति अति सफल तभी होता है जब वो उस व्यवसाय में कम से कम 10,000 घंटे गुजार चुका होता है। 10,000 घंटे का मतलब समझ रहे हैं? अगर हर दिन आप इस बिजनेस में 2 घंटे देंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को 2 से गुणा कर लीजिए, तो यानी एक साल में आपने 700 घंटे दिए, तो 10,000 घंटे कितने साल में होंगे? 8-10 साल 12 साल तो लगेंगे ना। जितना ज्यादा समय दीजिए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी वो 10,000 घंटे तो कैसे पूरे होंगे, ज्यादा से ज्यादा डेली समय देंगे। और मैं लोगों को गलती क्या करते देखता हूं, इस बिजनेस में 2 महीने बिताए, 2-4-6 लोगों से बात की, लॉकडाउन हो गया, डिजिटल भी नहीं आ पाए, अरे कुछ नहीं होता, होता हटाओ बंद करो। और अधिकतर लोग तो मना कर ही रहते, सब कुछ नहीं होता, देखो मैंने भी 12-15 लोग से बात की थी, 2-3 लोग तैयार थे, वो खत्म बिजनेस 2 ही महीने में। यानी कि टोटल वो जोड़ लें, चाहे उन्होंने 10 घंटे दिए, 20 घंटे दिए, 30 घंटे, खत्म। 10,000 घंटे की थ्योरी, किस जगह दुनिया में 10-20-30 घंटे में कोई प्रोफेशनल तैयार हो जाता, मुझको एक जगह कोई बता दे। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में जिंदगी के 30 साल पढ़ना पड़ता है, एक एडवोकेट को एडवोकेट बनने में जिंदगी का 28-30 साल लगा देता है, एक सीए को कितने साल, और आपको यहां पे 20 घंटे में चमत्कार हो जाएगा। 10,000 घंटे जिसने भी अपनी लाइफ में जिस भी क्षेत्र में नहीं बिताए, वहां पे कुछ नहीं होना है, तो यहां से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? यहां भी समय देना होगा। ये पहले दिन अपने दिमाग में रख लीजिए, नहीं बात समझ में आ रही, मैं 10,000 घंटे दे सकता, ये बिजनेस नहीं है आपके लिए। अगर बड़ी सफलता चाहिए, ऐसे ही आ रहे हैं मजा काटने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने तो बिल्कुल, लेकिन आपके सपनों के साथ आ रहे हैं तो नहीं होगा। दूसरी थ्योरी, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही फंडा है, 10:1। 10 लोगों से बात करेंगे तो एक आदमी जुड़ेगा, 10 लोगों से बात करेंगे तो एक आदमी जुड़ेगा। इस महीने हम लोगों का कितना प्यारा सा ऑफर है ना, हेयर ड्रायर का, नहीं मैं तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन ऑफर तो बड़ा प्यारा सा है, उसका कलर भी बड़ा प्यारा सा है आरती के लिए, तो 3 लोग रिक्रूट करेंगे तो एक हेयर ड्रायर मिलेगा, तो 3 कैसे होंगे, 30 लोगों से बात करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको लगता है वो हेयर ड्रायर आपको चाहिए तो आपको 30 लोगों से बात करनी ही करनी होगी, यही फंडा है। तो अगर फंडामेंटल आपको क्लियर है तो बिजनेस एकदम स्मूथ है, फंडामेंटली नहीं क्लियर है, सर मैंने बताइए 1 हफ्ते में 5 लोगों से बात की, 5 ने मना कर दिया, हो सकता है छठा हो जाता, मुझको तो पता ही 10 से पहले नहीं होना। 10:1 पूरे वर्ल्ड का फंडा है, नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा है, आपको पता होगा तो हतोत्साहित नहीं होंगे। गड़बड़ क्या होती है, हम लोग को चीजें पता नहीं होती तो होती है दिक्कत, हम लोग को अगर नियम नहीं पता होते, जैसे आप 140 की स्पीड पे कार चला रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि 140 की स्पीड पे कार चलाना जो है वो जुर्म है, 100 की स्पीड से ऊपर चला रहे हैं, आगे आपको किसी पुलिस ने रोक लिया, उसने कहा अरे आपका चालान करेंगे, अरे क्यों चालान करोगे सर, आप 140 दे, तो उससे क्या हुआ, उसने कहा सर ये नियम है, नियम क्या, अरे नियम है, आपको नहीं पता जिसका मतलब थोड़ी ना कि चालान नहीं, आप तो चालान होगा, लेकिन अगर आपको पता होता तो दिक्कत नहीं होती। यहां पे अगर आपको पता है कि 10 लोगों से बात करने पे ही एक जुड़ता है तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं पता तो जैसे 6 लोग मना करेंगे आप बिजनेस से आउट, और बेसिकली जो लोग आउट होते हैं वो सिर्फ होते हैं फ्रेम ऑफ माइंड की, वो फ्रेम ऑफ माइंड ये कि जिंदगी में आखिरी बार जब पढ़ाई की थी तो शायद
उस पढ़ाई को करे हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 साल में कोई पढ़ाई तो की नहीं, क ख ग घ ङ नहीं लिख पाएंगे, संस्कृत का 2 लाइन का श्लोक कह दीजिए लिख दो तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी है। अब हम लोग को आता कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग गुरूर में जीने लगते हैं, हमको सब कुछ आता कुछ नहीं है। तो अब ईगो हमारी है हमारे अंदर, 4 लोगों ने मना किया और हमारी अकड़ टूट गई, अरे मना करे दे रहा है, इतनी बेइज्जती, नहीं ये काम नहीं हो पाया। क्या आपको वो जिसने मना किया वो आपकी सक्सेस से ज्यादा बड़ी चीज हो गई? सक्सेस बड़ी है क्या वो छोटा सा रिजेक्शन? वो दुनिया इंतजार कर रही है वर्ल्ड ट्रिप के लिए, वो दुनिया इंतजार कर रही है लाखों की इनकम के लिए, आपका इंतजार हो रहा है स्टेज पे हजारों लोग ताली बजाने के लिए, उससे बड़ा ये चीज हो गई। आपको ये तोलना होगा, ये बिजनेस का पार्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं यहां पे नियम है लॉ ऑफ एवरेज, यही तो मैंने बात की 10:1 लॉ ऑफ एवरेज। यहां पे अगर आप स्किल में हार रहे हैं तो नंबर्स में लोगों को हरा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं सर मैं ज्यादा अच्छा बता नहीं सकती, तब भी आप हरा सकते हैं, तब भी अगर 10 लोगों से बात कर रहे हैं तो भी एक जुड़ जाएगा। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा, स्किल नहीं भी है तो भी काम करेगा। चमत्कार मैंने यहां पे होते हुए देखे। कभी भी परफेक्शन का इंतजार ना करिए ना परफेक्ट लोगों का, बस एक्शन करिए, स्टार्ट एक्शन। बहुत सारे लोग नहीं, मेरी मामी की बहू है बहुत स्मार्ट है, मतलब वो आ जाएगी तो कमाली हो जाएगा, ना। यहां ऐसे ऐसे लोगों ने चमत्कार कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसे ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाए जिनको जिनके बारे में आप बड़ा सोचते थे। तो कभी भी प्रेडिक्शन मत करिए, यहां पे लोग कमाल कर जाते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, वो सब जगह इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा स्कूल होता है जो जहां पे बच्चा किसी भी समय चला जाता है? एक समय है, 7:30 पे आना है 7:30 पे आना है, रोज आना है तो रोज आना है। वैसे यहां पे आप में से जितने भी लोग यहां पे नए हैं चाहे पुराने हैं, जिंदगी में कोई एक दिन मुझको बताइएगा कि मेरी 7 बजे की मीटिंग ना होती। लोगों के लिए है मस्ती, ठीक है कभी अटेंड कर लेंगे, अरे ठीक है वो शिशिर चौरसिया बोलते कभी मन होगा चलो सुन लेंगे, उसमें क्या रखा। लेकिन मेरे लिए वो मेरी सक्सेस का हिस्सा है, मेरी सक्सेस यात्रा है। इसलिए जितने भी लोग हैं इसको किसी भी प्रकार का अदरवाइज मत लेंगे, मैं सिर्फ लेसन दे रहा हूं। मुझसे ज्यादा कोई अर्न करता है? क्यों नहीं, मैं सबसे ज्यादा अर्न करूंगा, मैं डिजर्व नहीं करता हूं। मैंने जिंदगी की कोई शाम के 7 से 8:30 बजे ऐसा हुआ ही नहीं। क्या मेरे यहां चाचा जी नहीं आते हैं? मेरे यहां कोई बीमार नहीं पड़ता? मुझको किसी शादी में नहीं जाना पड़ता? तो जो गोले जो एक्सक्यूजेस लोग देते हैं वो मेरे यहां नहीं होते क्या? लेकिन मैं, मेरे लिए जॉब सीरियस है, ये काम सीरियस है। वो चाचा जी वो लोगों की शादी, मैं देर में पहुंचूंगा किसी की शादी, ऐसा थोड़ी ना फेरे नहीं हो रहे भाई, चौरसिया जी आए नहीं अभी फेरे रोके रहो, ऐसा तो है नहीं। चाचा जी आए तो 1 घंटा बैठ सकते हैं, ठीक है बैठिए चाचा, टीवी देखिए लस्सी पीजिए, बस मैं मीटिंग करके आ रहा हूं, उसमें क्या। आपको अपने काम को के प्रति अपनी गंभीरता दिखानी होगी। आप काम को क्या देंगे तब इन रिटर्न आपको मिलेगा। मिलेगा भाई, जो आप जितना दे रहे हैं वही रिटर्न में मिलता है, और रिटर्न में हमेशा ब्याज सहित मिलता है। ये डिसिप्लिन रखना होगा 100%, इसमें 99% से नहीं काम चलेगा। और इनोवेशन, समय के साथ साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहे, इनोवेशन खुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। अपलाइन जरूर मदद करेगी लेकिन आप अपना भी दिमाग लगाएं, अब क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए, अपना दिमाग लगाएं, इनोवेशन। और दोस्तों एक डाटा जरूर आपके पास हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आज भी भारत में 60% इंडियन वुमेन्स आर हाउसवाइफ्स, 60% इंडियन वुमेन्स हाउसवाइफ्स हैं। और उसी के साथ में रिपोर्ट क्या है, 76% महिलाएं ही नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हैं। 76% पुरुष नहीं है सक्सेसफुल यहां पे, 24%। इस वजह से मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं पुरुषों पे ज्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं भैया, ये इंटरनेशनल आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, पूरी दुनिया के आंकड़े हैं, और मेरी कंपनी में भी आप देख लीजिए, जिससे भी आप देखेंगे हर दूसरा तीसरा नहीं, अगर इस कंपनी के अचीवर्स के आप 1000 लोगों से मिलेंगे ना तो शायद 980 लोग महिलाएं ही होंगी। तो उसी में फोकस करिए, ये इंटरनेशनल है। और अभी भी अगर भारत की 60% महिलाएं घरों में बैठी हैं, हाउसवाइफ्स हैं, पढ़ी लिखी, तो वही तो है फ्यूचर की डायमंड्स, उनको निकालिए, उनको जोड़िए, बहुत सारी संभावनाएं। आगे बढ़ते हम लोग, समय हम लोग का हो रहा है। तो जो चीज ध्यान रखिए बस वही सिंपल बात, मेरी फेवरेट बात,
जब तक आप नहीं बदलने वाले आपको वही मिलने वाला है जो आज तक आपको मिला है। जब तक आप नहीं बदलने वाले आपको वही मिलने वाला है जो आज तक आपको मिला है। आप बदल जाओगे सब बदल जाएगा। खुद को बदलो, दुनिया को बदलने के चक्कर में ना पड़ो, खुद को बदलोगे सब बदल जाएगा। हम लोग दुनिया बदलने चल देते हैं, मेरी वाइफ नहीं ठीक है, मेरे पति नहीं ठीक है, मेरा बेटा नहीं। अपने को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मना करते हैं उन्हीं को जवाब देना है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया ना, चार लोगों ने मना किया, अरे सर सब तो मना कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मेरा भी फोन उठाना बंद कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए, जिन्होंने मना किया करने दो मना। आपने देखा ना, जिन भी आप सक्सेसफुल लीडर्स को जानते हैं कि लवीना गुनानी जी हैं, रजनी जी हैं, आरती जी हैं, अर्चना गुप्ता हैं, मनीषा विवेक हैं, जिसको भी आप जानते हैं, इंदिरा जी हैं, नमिता जी, जो भी नाम आप जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अरे इतने लोग सफल हुए, मुझको इनके जैसे बनना है। हम क्या करते हैं, इनकी सक्सेस देखी, इन देखा कि इन्होंने 6 कारें ले ली, उन्होंने 15 ले ली, वो 40 विदेश यात्राएं हुई, वो 1 लाख पाती, वो 5 लाख, लेकिन वो 4 लोग जो मिले जिन्होंने आपको मना किया, उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। ये अचीवमेंट आपका दिल जोड़ नहीं पाया। वो 4 लोग जो 10-10, 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उनसे आप इंप्रेस हो गए, वाह कोई गजब की बात है। इतने हम लोग खराब हो चुके हैं, हम लोग का सॉफ्टवेयर इतना खराब हो चुका है कि बढ़िया चीजों से हम इंप्रेस नहीं होते, 4 मना करने वालों से हम इंप्रेस हो जाते हैं। वही 4 जिंदगी है हमारी। इन्हीं को जवाब देना है जो मना कर रहे हैं। जब ये मना, जो जो रिजेक्शन दे, बस आप कहिए ओ रिजेक्शन, पहली रिजेक्शन वेरी गुड, सर ने तो कहा था कि एक आदमी मना करेगा, ओ दूसरी रिजेक्शन वेरी गुड, अब तो इसको मैं करके दिखाऊंगा। अभी आप निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि देखिए छोड़ देना सबसे आसान है ना दुनिया में, घर में बैठ जाना तो सबसे आसान है, काम करना तो दुनिया में हर जगह मुश्किल है। तो वो ये आप नहीं बताते कि 4 लोगों ने मना किया, आप तो चाहते ही थे नहीं काम करना, जहां आपको बहाना मिल गया 4 लोगों ने मना किया, बहाना ढूंढ रहे थे आपकी किस तरह नहीं किया जाए, कितना घर में आराम से बैठते थे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखते थे, और ये मीनाक्षी अग्रवाल कहती है काम किया करो, ये राधा वर्मा कहते हैं कि काम क्या करो, अरे यार ये सब नहीं है ना, ये बढ़िया वाला जिंदगी अच्छा है, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, अब उसमें लग जाते हैं। तो गड़बड़ क्या बात है, गड़बड़ ये बात है कि हमको ये देखना है कि जो लोग मना कर रहे हैं, अगर मैं भी छोड़ दूंगी तो वो क्या कहेंगे, हम तो देखो तुमसे उसी दिन कहे थे ये सब नहीं होना, छोड़ दी ना तुम, हो गया बड़ा, उस दिन तो बता रही थी कि इसमें हवाई जहाज आ जाता, शिप आ जाता, लाखों आते आ गई लाइन पे, अरे ये सब कुछ नहीं होता, मुझको तो पता ही था, तुझको नहीं पता था, तू पता नहीं कहां ज्वाइन कर ली थी, आओ चलो बैठो, आओ मूंगफली खाते हैं, हो गया। इन्हीं को जवाब देके दिखाना है, चैलेंज की तरह लीजिए, भागिए नहीं। आगे बढ़ते हैं, टू गेट मोर यू हैव टू डू मोर, अगेन मेरा फेवरेट टॉपिक, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना पड़ेगा, टू गेट मोर यू हैव टू डू मोर। मैं सिंपल लोगों से पूछता हूं कि देखो जो भी व्यक्ति कहीं पे अगर मान लो 20,000 पा रहा है तो वो कितना काम करता है जरा देख लीजिए, जो 2 लाख पा रहा है वो कितना काम करता है जरा देख लीजिए, जो 2 करोड़ पा रहा है वो कितना काम करता है जरा देख लीजिए, जो 200 करोड़ पा रहा है जरा देख लीजिए। आरती जी अभी कैसे बता रहे थे, एक बार कैमरा फेस करना पड़ा, इनकी हालत खराब हो गई। अक्षय कुमार हम लोग को ऐसे लगता है कैसे ये लोग 10-10 करोड़ रुपए ले लेते हैं, आपने एक दिन कैमरा फेस किया वो भी कुछ घंटे, तो आपकी हालत खराब हो गई। जरा जरा वो मेहनत करके देखिए, कभी एकदम बर्फ में, कभी रेगिस्तान में, कभी पूरे दिन, कभी पूरी रात, पैसे उसी बात के तो मिलते हैं। जो जितना पैसा पा रहा है वो उतनी मेहनत करता है, ये सिंपल थ्योरी है। अभी 7-8 दिन पहले मैं मुकेश अंबानी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसने बोला मैं लाइफ में मेरे कोई संडे नहीं होता है, कोई संडे नहीं, जो रिचेस्ट आदमी वो कह रहा कोई संडे नहीं, और हम लोग संडे क्या 2-4 दिन और भी मिल जाए घर में बैठने का मौका, तो तभी हालत देख लीजिए। वो कहता जब मैं छुट्टी मनाता हूं तो उस दौरान कुछ नहीं, अगर मैं 7 दिन के लिए मॉरिशस गया फैमिली को लेकर, उन 7 दिन कुछ नहीं। तो हम ओरिफ्लेम के डायरेक्टर्स भी तो यही करते हैं, हम लोग जब लंदन जाते हैं तो फोन ऑफ रहता है, हम जब दुबई में होते हैं तो फोन ऑफ होता है। यानी कि मतलब ये बताने का, ज्यादा पाने का अगर इच्छा है तो ज्यादा करना पड़ेगा, सिंपल थ्योरी, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जिंदगी में सफल बनने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना होता है। कुछ लोग दुकान खोल के सामान बेच रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई पान बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ना लोग। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपना समय बेच रहे हैं, समय नहीं बेचते हैं। देखिए कल आपकी ये जॉब है 10 से 5 आना है, वो क्या है, इतना समय उस एम्प्लॉयर ने आपका खरीद लिया, उसी का वो पैसे दे रहे हैं। लोग समय बेचते हैं,
लोग सामान बेचते हैं, कुछ लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं, लेकिन हम नेटवर्कर्स सपने बेचते हैं। आओ एक बड़ा सपना लेके हमारे पास में आओ और वो सपना मैं पूरा कराऊंगा। हम सपने बेचते हैं। जिस दिन आप सपने बेचने लगेंगे, जिस दिन आप भी सामान बेचने में लगे रहेंगे, यार दीदी ये बताइए एलोवेरा वाली फेस क्रीम कैसी और वो ऑप्टिमल, ये सब जब करेंगे ना तो ये बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। किसको क्या रिकमेंड करना है, क्या ये जीवन में सामान के सलाहकार बनेंगे तो आप सामान बेचू लाल होके रह जाएंगे। सेल्समैन मत बनिए, इस बिजनेस में आना है तो कमाल करना है। तो दोस्तों आखिरी बात करके जो बातें हम लोग खत्म करते हैं वो बात ये, चूंकि नेटवर्किंग कैसे करें इसके पूरे मूल रूप में हम लोग बात करें तो वो बात ये, उन लोगों से कभी प्रभावित मत हुए जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए हैं और लोग उल्टा करते हैं उन्हीं से प्रभावित होते हैं। एक बार जरा देखिए, अरे नेट का सहारा ले लीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए, नेट का सहारा लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दुनिया के लीजेंड्स ने क्या क्या कहा है। बस इतना टाइप करिएगा कि बिल गेट्स ने क्या कभी कुछ कहा है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आप हर पढ़ के हैरान रह जाएंगे। उसने कहा अगर जिंदगी में मुझको कभी दूसरा कोई मौका मिला तो मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग से उससे पूछिए कि दुनिया का सदियों से कई दशकों से जो रिचेस्ट मैन बन के बैठा रहा वॉरेन बुफे, उसने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा, तो वो कहा क्या, वो छोड़िए उसकी अपनी दो कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की। आप देखिए क्या कलाम साहब ने कुछ कहा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। कलाम साहब ने कहा, बहुत लोग इज्जत करते हैं इस देश में कलाम साहब की, उनका कहना है कि मैं भारत के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हर युवा को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करनी जरूर चाहिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि यही करनी चाहिए, ये एक बार जरूर करनी चाहिए, भले उसके बाद कुछ और करने, क्योंकि यहां जो सीखने का मौका मिलेगा वो स्कूल नहीं सिखाता है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल पॉजिटिव बातें, सब कुछ बढ़िया। कलाम साहब ने क्या कहा आप देखें। और अब ये दुनिया के जो लीजेंड्स हैं वो इसकी तारीफ में बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, लीजेंड्स की बातों से नहीं प्रभावित हो रहे हैं, उस पड़ोसी की बात से प्रभावित हो रहे हैं जो 15 साल से एक टूटी हुई हीरो होंडा को मेंटेन कर करके चला रहा है। उसने कहा कि सब कुछ नहीं होता, हाँ तू सही कह रहा है, बिल गेट्स रिलेटेड तो ऐसे ही है, बिल गेट्स वा और कलाम वलाम कौन है, हमने थोड़ी ना सुना, कौन वॉरेन बफेट, हमने तो उसका स्पेलिंग भी नहीं लिखी, बस हो गई गड़बड़। आपके जीवन में आपका सलाहकार कौन है यही आपका एल्टीट्यूड तय करेगा और कुछ नहीं। सलाहकार कौन है, कैकई की सलाहकार मंथरा थी, क्या हुआ मुझे बताने की आवश्यकता है। कृष्ण अर्जुन के सलाहकार थे तो महाभारत में क्या हुआ, और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी मामा थे तो फिर क्या हुआ। सलाहकार कौन है, बढ़िया सलाहकार चुनिए। और यहां पे सलाहकारों के तो बिल्कुल इस आसमान में हजारों सितारे हैं, मैं किस किस का नाम लूं, ये सारे लोग हैं आपके सलाहकार, आपकी मदद करने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, और सब मुफ्त के सलाहकार, फ्री। इनके रोज टच में रहिए, ये आपको उन ऊंचाइयों तक तो पहुंचा देंगे जहां तक ये पहुंचे हैं, कम से कम वहां तक तो पहुंचा ही देंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और इससे पहले कि मैं जाऊं, यहां पे कुछ लोग ने चैट पे कुछ कुछ लिखा है तो आज मैं उसका जवाब दे दूं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने जो लो एवरेज के बारे में बताया था एक बार उसको फिर से बता दीजिए। क्या बताया मैंने, लो एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो सिर्फ इतनी सी बात है, 10:1। नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा है, कहते हैं अगर आप 10 लोगों से बात करोगे तो एक आदमी जुड़ेगा, इसी को लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहला और दूसरा रिजेक्शन जब मिले तो उससे आप इंप्रेस मत हो जाएगा, सर दो लोगों ने मना कर दिया, तीन ने मना कर दिया, क्योंकि इसका तो एवरेज है ही, फंडामेंटली यही है। अगर 3 लोगों को जोड़ना है तो 30 लोगों से बात करनी पड़ेगी, सिंपल। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पूरी दुनिया का फंडा है, यही चीज थी। अच्छा चलिए एक सेकंड के लिए ब्रेक ले रहे हैं, जरा मैं सवाल पढ़ लूं। बिल्कुल तस्लीम जी बढ़िया बात लिख रही हैं, गरिमा जी गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा अब मैं अलविदा आप लोग से कहने से पहले आप लोग को हमेशा की तरह एक मौका देना चाहता हूं कि अगर मुझको कोई डांटना चाहे, कोई बात मेरी ना अच्छी लगे तो डांटने का अधिकार है। अच्छा लगा
तो मुझको प्रेज करने का भी अधिकार है और सिर्फ बाय कहनी है तो बाय करने का भी अधिकार है। तो आप में से जो कुछ कुछ कहना चाहता है तो बेहतर तो होगा कि हैंड रेज कर लें। वैसे माया जी चूंकि हमारी आदरणीय उन्होंने माइक ओपन कर ही दिया तो उनकी बात सुन लेते। माया जी प्रणाम। प्रणाम सर जी। थैंक यू बहुत आप अपडेट कर देते हैं, अब तो आग लगा देते हैं। हम तो डर गए, आप तो मेरी परम आदरणीय, हमने कहा आज लगता है डांटेंगे कि ये खराब बात नहीं। आप मतलब आप समझ लीजिए कि आग ही लगी रहती है, क्या करें इतना जी कुछ कुछ। थैंक यू माया जी, थैंक यू, आपने प्रेस किया। यहाँ पे गरिमा जी एक हैं, उन्होंने हैंड रेस किया। जी गरिमा जी स्वागत है आपका। सर गुड इवनिंग। सर वेरी गुड इवनिंग। सर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप जो देते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है पहली चीज जी। दूसरा सर मैंने रजनी मैम की फेसबुक पे मैंने उनकी पिक्चर देखी थी हाल फिलहाल जी। तो उसमें आपकी डेनमार्क की और स्वीडन की जो पिक्चर थी वो मुझे और इनकरेज कर गई अपने ड्रीम की तरफ। अब एक ड्रीम पक्का हो गया, मुझे भी इस तरह की ट्रिप लेनी ही है, मुझे जाना है ऐसी ट्रिप्स पे। वेरी गुड पिक्स थी सर, आप लोगों की एनर्जी देख के, आपको लोगों का जोश देख के मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिला है कि मुझे करना है। और ये कैसे करना है सर, ये मैं काम अभी कुछ कर रही हूँ, मैं मलाई से घी बना रही हूँ, तो ये मुझे समझ आ रहा है हर चीज को टाइम देना पड़ता है जी। बिल्कुल ठीक, आना है तब वो घी बनेगा एक जो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सर ऐसे ही है, हमें इस चीज को भी टाइम देना है, इस काम को टाइम देना है, टाइम देना है, पूरा इसको तपाना है अपने आप को इसमें, तब हम इसमें खिल के घी बनेंगे। क्या बात है, कितनी सुंदर बातें आप करने लग गई, बहुत जल्दी आप इतनी अच्छी बात करने लगे। वेरी गुड। क्लास के साथ साथ मेरी ये काम भी साथ चल रहा है, ये दोनों चीजें मुझे इकट्ठा इनकरेज कर रही है अपने ड्रीम की तरफ। गुड। आप गरिमा जी कहाँ पे निवास करती हैं? सर मैं गाजियाबाद में हूँ, हरनीत जी की डाउनलाइन हूँ सर मैं। ओके ओके, वेलकम गरिमा जी, थैंक यू सो मच सर। रेशमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, गुस्से में तो नहीं है? सर बहुत ज्यादा। जी कहिए। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैंने सोचा कि आज मैं भी कुछ बोल दूं, दो तीन दिन से कुछ बोली नहीं। आप और मैम, जो मैम जितनी टेक्निकल चीजें सिखाती हैं वो तो बहुत बेनिफिशियल है ही, एंड जो आप इस तरह से प्रैक्टिकल बातें बताते हो ना ओरिफ्लेम से हटके, वो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं। एंड साथ साथ अगर जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है, वो हमारे नेटवर्क में है नहीं है नो मैटर, उनके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो yes. अगर वो ये सुन के सीखेंगे और जिस भी फील्ड में हैं अगर वो इससे कुछ फायदा लेते हैं कुछ सीख ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा, और ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है, ये लाखों लोगों को आप पर डे ट्रेन कर रहे हो। थैंक यू। और कुछ लोग मेरे ग्रुप के भी हैं जो मैसेजेस लिख रहे हैं, अभी तस्लीम जी ने भी लिखे, मैंने ही पढ़ लिया चैट में। ओके तस्लीम जी, ओके या तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुंबई से हैं सब, बार बार वो मैसेज लिख रही थी आपको, तो वहाँ बैठ के कोई इंसान मोटिवेट हो रहा है तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है एंड उनके लिए बहुत ज्यादा कि वो आगे किसी को बता पाएंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा यार एक सेकंड के लिए और लोग जो हैं उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे लवीना जी हमारी परम आदरणीय, उनको मेरा प्रणाम। स्वप्निल राय जी हैं, उनको थैंक यू। और यहाँ पे डॉक्टर साहब आ चुके हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपकी अदालत में मैं बैठा हूँ। नहीं सर ऐसा मत भूलिए प्लीज, आपकी जो है बातें इतनी अच्छी होती हैं सर, रियली आपको एक सोशल वर्क ही कर रहे हैं रेशमा जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये सोशल वर्क सिर्फ आपका आपके इस मोटिवेशन से कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है सर आपको खुद नहीं पता है। और जो आपने आज एग्जाम्पल दिया है सर नेटवर्किंग और खेती में कोई लगभग रिजेंबल करती है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ये मेरे दिल में बैठ गया और इसको मैं नोट तो नहीं कर पाई लेकिन मैं इसको फिर से अपने मन से आपकी बातों को याद करके इसको लिखूंगी और अपने ग्रुप में जरूर बताऊंगी सर। थैंक यू सर, आपकी बात वाकई नोट करने वाली होती है, बिना डायरी के बैठना नहीं। थैंक यू सो मच जी, है उन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया। थैंक यू जी ऋतु जी।